साला का हरामी आदमी है बे, साला अचानक फर कर दे रहा है। चोर है भाई। देखिए गाइस, अब इसका मजा देखिए, हमको इसका मजा ले रहा है। ब्रेकफास्ट में दिखा रहे तुम लोगों को कि क्या लाए हैं। देखो कैसे खा रहा है लोग अकेले अकेले, एक जन पकड़ा हुआ खा रहा है। तबीयत खराब हो गई है बेचारा का उमेश का। रमेश ठीक है तो भाई? बिंदास है। बिंदास है। सो गाइस रूम दिखाते हैं आप लोग को। एक है ये रूम पूरा फुल्ली एसी वाला, ये लेडीज़ के लिए है। वो लेडीज़ रूम छोड़ दे लेडीज़। और ये है हम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आया हूँ सब बढ़िया होंगे। सो आज जा रहे हैं हम लोग दीघा लॉन्ग टूर पे। सो हम और रमेश आ चुके हैं, लेकिन करण और रूमेश अभी तक नहीं आया है। वो लोग है बोका चो, समझ सकते हैं बोका चो मतलब क्या होता है। सो अभी हम लोग शीतलपुर में खड़ा है, तो शीतलपुर में ही वो लोग आएगा। तो हम लोग यहीं पर खड़ा है, तो एक घंटा इंतजार कर रहे हैं बेटा। अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसकी माँ का कहाँ है भाई साला। लोग वो लोग आने का इंतजार करते हैं दोनों। अभी इतना लेट के बाद फाइनली आ गया। गाड़िया साइड कर लेना, तो उधर से इतना स्पीड से डंपर आ रहा ना, पार कर देगा। अरे डंपर सब पार कर दे, सब डाल ले। अरे बाप रे, तेरे कहाँ लेके जा रहा रे? ठंडा ठंडा, हमको ठंडा में से 10 कदम दूर रहता है। अरे कल क्रिकेट खेलने लग गया, उंगली फूल गया। सब ऐसे लोग भी आ चुके हैं, हम लोग निकलते हैं। एक मोबाइल दे दे इसको, मैप देखेगा ना, इसको दे दे। एक मोबाइल दे दे इसको, मैप देखेगा तब ना ये। हाँ वो मैं गिफ्ट करने के लिए रख दिया बैग, तो मतलब शीतलपुर का आदमी लोग लेके चल जाएगा। सो गाइस अब हम लोग जाके सीधा इधर से डिसलगढ़ होके निकलेंगे, एकदम डिसलगढ़ बांकुड़ा विष्णुपुर इधर से निकलेंगे सीधा एकदम दीघा। मस्त मेदिनीपुर पार करेंगे, उसके बाद नाश्ता, मेदिनीपुर से पहले नाश्ता वगैरह कर लेंगे, समझा? एकदम सुबह 5:30 भी नहीं बज रहा होगा। कितना बज रहा है? मेरा टाइम टेबल ही ख़राब है, इसमें मेरा टाइम में मत जाइएगा, मेरा टाइम डेंजर टाइम है। 5:30 हो रहा। करण है, करण का बहन है, उमेश है, उमेश का बहन है। जय बजरंग बली, जय सिया राम। आज दीघा टूर दिखा दिखा लग रहा होगा। सो यहाँ पर डिसलगढ़ में अभी रुका ही लोग। सो गाइस ये डिसलगढ़ है, डिसलगढ़ से सीधा अब निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधा एकदम देखते हैं, फिल अप करवा के और सीधा एकदम निकल जाएंगे, एकदम डायरेक्ट। क्या बोलता है रमेश? डायरेक्ट फिल अप करा के एकदम सीधा, एकदम एक कितना दूर चला सकते हैं देखते हैं क्या। गाइस यहाँ पर फिल अप करा लेते हैं। टंकी फुल कर दो। टंकी फुल। हाँ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा। हाँ हाँ हाँ, देख बुझते बच्चे ने। सो गाइस यहाँ पर फ्यूल अप हो गया है, टंकी एकदम टनाटन फुल हो चुका है। अब मस्त एकदम सीधा निकलेंगे। अब हेलो फोटो ले रहा, चल रहा है, चल। सो गाइस फ्यूल अप तो हो चुका है, अब सीधा एक जगह रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू राइड चलेगा। थोड़ा थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है, क्या ही बताएं, सुबह सुबह रात को नींद अच्छा से नहीं हुआ है। रमेश आ गया था मेरा पास 4 बजे, लेकिन हम उठे 4:30, क्या ही बताएं, क्या ही खतरनाक वाला नींद सोते थे एकदम, हेवी वाला सोते थे एकदम। सो गाइस भाई लोग पुशअप मार रहा है, चला भाई मारो भाई। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है,
एकदम क्या लग रहा है, तो व्यू देख सकते हैं। आगे करण और उमेश अभी आगे आ चुका है। इधर का रोड भी क्या मक्खन माफिक रोड है, इतना हेवी एकदम जहाँ लूहीन लग रहा है। बाप रे बाप, एकदम प्यार से चला रहे गाड़ी एकदम। इधर सिर्फ जंगल ही जंगल है और इधर पेड़ सब काट काट के रखा गया है। ये रहा उमेश, उमेश का सिस्टर, और वो रहा करण, और करण का सिस्टर, और हम और रमेश बैठे हुए हैं। रोड देख सकते हैं, लेकिन मक्खन माफिक रोड है, ये बांकुड़ा साइड है ना, हेवी रोड है। तो नया नया रोड बनाया गया है, तो इधर का रोड देख के दिल खुश हो जा रहा है। देख रहे हैं करण क्या लीन कर रहा। अरे भाई, खड़गपुर, अरे साला का हरामी आदमी है बे, साला अचानक पार कर दे रहा। भाई देखिए गाइस, अब इसका मजा देखिए, हमको इसका मजा ले रहा है, लेकिन पूरा सुता है गाइस। और ऊपर अपोलो H1 टायर लगा हुआ है। अब सबको भूख लगने लगा, मस्त एकदम खाएंगे। वाह, ये कहाँ का ब्रिज है भाई, क्या ही लग रहा लोकेशन, ओपी लेवल वाला। हाँ बोले, कितना पीछे भाई, देखो ये नज़ारा, और ये देखो सबको रुका हुआ है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में दिखा रहे तुम लोगों को कि क्या लाए हैं भाई। पैसा इतना कम लेके आए हैं कि हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते घर से, इसीलिए हम लोग ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। ये रहा ये पहले एक चीज लेके नहीं आया, लेग पीस छूट गया। ये रहा लेग पीस भागा, ये वाला भूज के खा लेंगे हम लोग। देखो ये पूरी है, बड़ा हेवी सब्जी है, और ये है मटर, मटर नहीं है, बूट चना, बूट चना बोला। इधर इधर देखो कैसे लिखा है, देखो कैसे खा रहा है लोग अकेले अकेले, एक जन पकड़ा हुआ खा रहा। देखो अजीब खा रहा है सारा, उमेश पकड़ा हुआ सिवाय एक करके खा रहा है, तू दोनों देख रहा है। अरे मारो दी करो, मारो दी करो, डंडा ला तो भाई, अरे सिवा खिला ना, अरे खिला ना बे, ले बाल बोल दे भाई। देखो गाइस, सिवा दिल का बहुत अच्छा है, सिवा हमको खिलाया, और सिवा ये राइड हमको स्पॉन्सर किया है। हाँ। दिल का बहुत अच्छा है, तेरा हमको 2000 रुपया देगा जो बस शादी का मॉन्स्टर एनर्जी नहीं पिलाया इस राइड में, वो 2000 रुपया देगा कि हमको करण देगा 2000 रुपया, और इस राइड में हम पीके रहेंगे। 2000 रुपया दे देगा और 2000 तक दिया ना, इरे के लिए ना पैसा हमको कौन दिया था, तू जरो किसको पैसा पैसा के लिए ना, तेरे लिए हम तो ठीक है, उससे हम लोग काट लेंगे सिवा, हम तो बुलाएंगे। ये दोनों भी आ गए खाने, इधर बड़ी मजा आ रहा है, क्या बोला, दिल बाग बाग हो गया है। देखो तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिए और सब रेडी। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे रमेश और शिवा जा रहा, पीछे रेशमी और उमेश हैं, और पूरा हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, पेट वगैरह पूरा फुल हो चुका है। अब हम लोग आराम से दीघा एक बार में जा सकते हैं, मतलब विदाउट ब्रेक के लिए हुए भाई। तो अभी हम लोग कहाँ जो है पता नहीं हमको, अभी क्या ही बताएं आप लोगों को, बट रोड अमेजिंग, मतलब हाँ यहाँ हम लोग अपना स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये कौन सा पेड़ है भाई, ये बहुत खतरनाक, बहुत प्यारा फूल दिख रहा है, यानी मस्त लग रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग हाईवे राइड करते करते थोड़ा सब कोई थक गया, तो अभी यहाँ पर रुके हैं। हंदला ना क्या बोलता है ये लोकेशन,
ये खड़गपुर का सामने है, तो यहाँ से मिनिमम 85 किलोमीटर पड़ता है दीघा, मतलब टोटल हम लोग का 250 किलोमीटर जैसा लगभग मतलब राइड हो चुका है। और इसका तबीयत ख़राब हो गई है बेचारा का, उमेश का। रमेश ठीक है तो भाई? ए बिंदास है। अभी कैसा तबीयत? अभी पैरासिटामोल खाया भाई, अभी फिर भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। और ये करण को देख सकते हैं, ये तो कुछ हो भी नहीं करता है गांडू ठोको। और यहाँ पर है करण का गाड़ी, यहाँ हमारा गाड़ी, और वहाँ उमेश का गाड़ी। अभी देखते हैं यहाँ से कितना कितना बजे तक निकलेगा। 15-20 मिनट 10 मिनट के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे दीघा। अबे हम क्या बोल रहे हैं, सो गाइस अगर मेरा कल तेल डली नहीं लगता ना, नंबर प्लेट नहीं लगता ना, हाँ नंबर प्लेट बैग में घुसाएंगे, हाँ वैसे चल देंगे। वाह पक्का गुंडा है रे तू, सेफ लाइफ नहीं दे। बाप रे बाप, कमर उमर धर गया। सो सिस्टर लोग भी आया है तो वो लोग अपना रील्स वगैरह बनाता है, वीडियो वगैरह बना रहा, और हम लोग तो इधर ही रहेंगे। देख सकते हैं इधर का, लेकिन ये हाईवे बहुत बड़ा है, अच्छा लंबा चौड़ा है। सो गाइस वहाँ से निकल के अब आ रहे हैं सीधा ग्राम दीघा बीच। सो गाइस दीघा तो पहुँच गए हैं और 7 किलोमीटर बाकी है, तो हम लोग पूरा उड़ीसा हो क्या आए हैं, क्या ही बताएं। हाईवे होकर थोड़ा इतना स्पीड में पार हो रहे थे कि सीधा आगे तरफ चल गए थे, उड़ीसा तरफ निकल गए थे और ध्यान भी नहीं दिए। एकदम सीधा हाईवे होके एकदम सीधा एकदम उड़ीसा में, उड़ीसा होके एकदम सीधा आप दीघा ढूंक रहे हैं। यहाँ से मिनिमम 7 किलोमीटर दूर है। ये दीघा का बस स्टैंड आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा खटाली हो गया कि हाईवे में तो ज़्यादा भगाएं तो उधर से ही सीधा उधर ही निकल गए थे हम लोग उड़ीसा साइड। फिर उड़ीसा से थोड़ा देखे कि मैप में चेक किए कि थोड़ा आगे आ गए, फिर उसके बाद फिर से बैक होके इधर से आए। माथा ख़राब हो गया, ज़्यादा नहीं 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। सो गाइस देखते हैं इस साइड में अगला साल थे, अभी इस साइड में मिले है कि नहीं रूम, देखते हैं। देखते हैं कौन साइड में रूम रहा जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर दीघा में रूम मिल गया है हम लोग को, मतलब दो रूम लिए हैं, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए। सो हम लोग का गाड़ी वगैरह अभी यहाँ लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उस साइड अंदर जाएंगे। अरे भाई ले 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 इसी को ले, बस गाड़ी वाड़ी अच्छा से लगा दे। अरे कुछ नहीं होगा, अभी फिलहाल के लिए रखना, फिर तो वहाँ रख जाएगा, ऊपर में चढ़ जाएगा फिर। अरे कहाँ लगा दिया रे प्लास्टिक ही के बे, किसका दिमाग था ये अल्ट्रा प्रो मैक्स। छाव में लगा गाड़ी, छाव में लगा गाड़ी, छाव में लगा। चल ठीक है ठीक है, बस इसको भी फेंक दे मेरा बाला कलावा को। चला वहाँ 85 किलोमीटर आया पता साथ में के प्लास्टिक तो हाँ ओके रे गाड़ी वहाँ बोला। रुके ওখানে বলছে গাড়িটা ওইখানে সো গাইস রুম দেখাতে আপ লোক কো এক হে ইয়ে রুম পুরা ফুললি এসি ওয়ালা ইয়ে লেডিস কে লিয়ে হে ও লেডিস রুম ছোড় দে লেডিস আর ইয়ে হে হাম গান্ডু লোক কো লিয়ে কেসা রহা রুম ইয়ে দীঘা মে একদম বেস্ট এসি রুম। हाँ हाँ अरे नया नया बना, अरे माँ कसम तुम लोग वहाँ वो लोग रूम में वो फर्स्ट वाला
सो गाइस अभी ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिलहाल वहाँ बिल उल कटा लेते हैं और उसके बाद क्या बोलता है वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जमा देना पड़ेगा, फिर उसका बाद आप लोग को दिखाते हैं करण का पिटाई।